सिंध में लाखों सैलाब मुतासरीन अब भी मदद के मुंतजर। अमरीका की जानब से तालीम, सेहत और पानी की फरहमी में मुआवनत। यू एस एड की जानब से तालीम, पानी और हिफान सेहत के शोबों में खास तौर पर मदद फराहम की जा रही है। पाकिस्तान में अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने सिंध का चौथा दौरा किया। डोनाल्ड ब्लूम ने आजम खान पिनहारों में 100वें स्कूल का अफ्ताह किया। अमरीकी सफीर ने कैरपुर में बुनियादी सेहत सहूलतों के मरकज का भी दौरा किया। यू एस एड की मदद से ये बुनियादी मरकज सेहत 5 साल से कम उम्र बच्चों और हमला और दूध पिलाने वाली माओं को गजाई जरूरियात के मुतालिक मशवरे, तशखीस और इलाज की सहूलतें फराहम करता है। अमरीकी इमदाद से जैकबाबाद के रिहायशियों के लिए पीने के साफ पानी तक आसान रसाई भी मुमकिन हुई। ये मनसूबा पाक अमरीका ग्रीन अलायंस फ्रेमवर्क के बुनियादी सतूनों में से एक है। मनसूबे में शहर में कचरा जमा करने, साफ पानी के फिल्टर फाल करना शामिल है। साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब